हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा। तो उसके लिए देखिए मैंने क्या क्या तैयारियां की हुई है। ये मैंने एक बाउल में पोहा लिया है, करीब दो कटोरी, दो छोटी कटोरी। ये दो लोगों के लिए बनेगा। थोड़ा सा पनीर, थोड़े से मूंगफली, पीनट्स, कैप्सिकम, कैरेट, प्याज, करी पत्ता और थोड़ी सी हरी मिर्च। ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो या नहीं भी डाल सकते हो। हमने फ्लेम ऑन कर लिया है। एक बड़ा चम्मच तेल लिया है, सरसों का तेल, आप रिफाइंड भी ले सकते हो या कोई भी ऑलिव ऑयल ले सकते हो। और इसमें हम तड़का डालेंगे सरसों, जब ये गर्म हो जाएगा। अब इसमें ऐड करते हैं अपना सरसों का दाना, सरसों का दाना। अब ये थोड़ा भुन जाएगा तो इसमें ऐड करेंगे हम प्याज, प्याज हमारा भुनने लगा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पीनट। मैंने पीनट अलग से फ्राई नहीं किया है क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, इसलिए मैं इसी में इसको फ्राई कर दूँगी। इसमें हम करी पत्ता ऐड कर देते हैं। करी पत्ता मैंने पहले ऐड नहीं किया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तड़कने लगता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, इसलिए इसको अभी ऐड किया है। अब इसमें हम डाल देंगे कैप्सिकम और हमारी कैरेट। अब इसको थोड़ी देर भूनेंगे, एक से दो मिनट तक। जब ये थोड़ी गल जाएगी तो इसमें हल्के से मसाले ऐड करेंगे। डालते हैं थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक डालने से सब्जियां जल्दी गल जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं। अब इसमें हम हल्की सी लाल मिर्ची डालेंगे स्वाद अनुसार, और हल्की सी डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। पोहे को हमने सिर्फ दो मिनट पहले ही भिगोया, ज़्यादा भिगो के रखने की इसको ज़रूरत नहीं होती। चलिए फ्रेंड्स, ये सारी सब्जियाँ हमारी भुन चुकी हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम पनीर। पनीर मेरे पास था तो मैंने डाल दिया, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ये और भुनेगा, फिर इसके साथ बाद हम इसमें पोहा ऐड करेंगे। भीगा हुआ पोहा अपना डाल देंगे, अच्छे से पानी निचोड़ देंगे इसका। ये देखिए अब इसको सिर्फ एक से डेढ़ मिनट और पकाएंगे हम, और फिर ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। देखिए फ्रेंड्स, पोहा बनके रेडी है, बन चुका है पोहा। अब हमारा हम इसको अपनी टी के साथ सर्व करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको बताना मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरे YouTube चैनल को अगर आपको अच्छी लगी हो रेसिपी, और आगे ऐसी रेसिपी मैं लाती रहूँगी आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।